देखा आज गुरुजी क्या बोल रहे थे, झूठ बोलने से इंसान नरक में जाता है। घर की सुख शांति के लिए बोला गया झूठ भगवान माफ कर देता है। फिर भी झूठ बोलना तो पाप है ना। कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलना चाहता है, पर तुम औरतें जो ये रोज तैयार होकर आ जाती हो और पूछती हो आज मैं कैसी लग रही हूँ, बस वहीं से आदमी झूठ बोलना सीख लेता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें? कल मॉल में कैसे औरतों को घूर घूर के देख रहे थे। घूर नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। अब किसी भी औरत को घूरने से पहले ये याद रखना कि तुम शादीशुदा हो। अब ऐसा कहाँ लिखा है कि जिसका व्रत हो वो खाने का मेनू नहीं देख सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है। ये लो कार्ड आया है, शर्मा जी की वेल्डिंग है। वेल्डिंग नहीं, वेडिंग होता है, वेडिंग। तो फिर वेल्डिंग क्या होता है? जब लोहे को जोड़ते हैं चिंगारी निकलती है, वेल्डिंग। लो फिर क्या अंतर है? चिंगारी तो इस जोड़ में भी निकलेगी कुछ दिन बाद। बात तो सही बोल रही। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। सच तो ये है तुम मर्द लोग कभी किसी औरत को समझ ही नहीं सकते। पर मुझे ऐसा लगता है कि औरत को समझना नहीं, समझाना मुश्किल है। समझ तो हम दूसरे दिन ही लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। सच्ची ये तो बड़ा बुरा हुआ। चल चल ठीक है। अरे वो नहीं था अमन, वो ना बेटिंग के केस में फंस गया। चल कोई नहीं, अच्छा ही हुआ। क्यों? वैसे भी उसकी अगले महीने शादी थी ना। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। पटना तो वैसे भी था ही। चलो हॉस्पिटल बुआ जी को देखने चलना है। चलो, लेकिन बच्चे का क्या? उसको मैं अपनी फ्रेंड के पास छोड़ दूंगी। तो एक काम कर, बच्चे को तू बुआ जी को देखने ले जा, मुझे अपनी फ्रेंड के पास छोड़ दे। यार थोड़े पैसे देना, शॉपिंग पे जाना है। यार तेरे खर्चे की वजह से तो मैं कर्जे में आ गया हूँ। जैसे शादी करने से अच्छा मैं कवारा ही रह लेता। अच्छा होता मैं भी अपने घर वालों की बात मान लेती। अच्छा क्या कहते थे वो? कहते थे इससे शादी मत कर। ले, मैं बेचारे को ऐसे ही कोसता रहता था, वो तो मेरा भला चाहते थे। अब पूछ ले क्या कहते हैं वो। आजकल तुम्हारी बहुत शिकायत मिल रही है मुझे कि तुम कॉलोनी की औरतों को घूर घूर के देख रहे थे। और हाँ कल मिसेस शर्मा भी यही बोल रही थी कि तुम उनको भी घूर घूर के देख रहे थे। ये फंस गया। बताओ। अरे मैं उनको नहीं उनकी ड्रेस को देख रहा था। ड्रेस तो बड़ी अच्छी थी पर उस पे जच नहीं रही थी। अगर वो साड़ी तुम पहनती तो बड़ी मस्त लगती। गजब डूबी वाज आदमी। सच में? और तुम सोची मैं उन लोगों को देखता हूँ। तुम जिस गाय को अभी रोटी खिला रही थी, दरअसल वो एक सांड है। हाँ मुझे पता है वो सांड है। तुम फिर भी उसे रोटी खिला रही थी, जो रोज किसी ना किसी की हड्डी तोड़ता है। देखना आज फिर किसी की हड्डी तोड़ेगा वो। शर्मा जी क्या है, हड्डी के डॉक्टर। हाँ तो उनसे मेरी बात हो गई है। मैं जितने भी मरीज उनके पास भेजूंगी 50% कमीशन मेरा। त्योहार आ रहा, शॉपिंग करा दो ना। अब देख रही हो मैं कितना बिजी हूँ। तो लाओ पैसे दो, मैं खुद ही कर लूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो, शॉपिंग के नाम से तुम्हारी जान निकल जाती है। बचा के रखो अपने पैसे, तुम जैसे आदमी को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छी बात है, और मुझे कोई शौक भी नहीं है कि जहाँ तुम और तुम्हारे घर वाले जाएं मैं पीछे पीछे आ जाऊं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।